कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटर की एक बढ़िया सी रेसिपी। यानी कि मटर आपने बहुत ही तरीके से खाई होगी, इसकी सब्जी बनाकर, अचार में कई तरीके से यूज की होगी, बट आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मटर को लिया, छील के अच्छे से वॉश करके इसको रख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। दरदरा दरदरा इसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है, मोटा मोटा इसको हम पीसेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें, जो मटर है वो मीठा होना चाहिए, उससे ये रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए आइए हम इसको पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, जब ये टेस्टी सी डिश बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और इसमें डाल देंगे लगभग 4 चम्मच घी। यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो घी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसमें हमने ये जो मटर पीस के रखी हुई है इसको डाल देंगे। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। देखिए कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका, और ये जो डिश बना रहे हैं वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है, बढ़िया सी शुंदर शुंदर खुशबू इसमें आने लग गई है। यहाँ पर हमने लगभग 4 से 5 मिनट इसको भुना है अच्छी तरह से मटर को। आप देखिए इसमें दाना भी है अभी तक, बिल्कुल दानेदार है ये, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, इस तरह से ही होना चाहिए इसका टेक्स्चर। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्कमेड। यहाँ पर हम स्वीट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं मिल्कमेड। अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो यहाँ पर आप चीनी और मावा भी डाल सकते हैं, आप उससे भी बना करके ये तैयार कर सकते हो। और इसको फटाफट अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दीजिए, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाएंगे। आप देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं ऐड किया, आप देख सकते हैं इसका नेचुरल कलर कितना ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर हमने बनाया है मटर का कलाकंद। ये रेसिपी हमने सबसे पहले मास्टर शेफ पर देखी थी, वहाँ पर केडीके ने बनाई थी, वहाँ से उसके बाद हमने इसको ट्राई किया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो इसलिए हमने आज ये रेसिपी बनाई है। आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ये बनके हो गया है तैयार। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, ये अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पर हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया है और इसको स्प्रेड कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं और उसके पास इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको गार्निश किया है कुछ बादाम से और गुलाब की पत्तियों के साथ इसको सजाया है। ये मुश्किल से 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा और पीस कट के तैयार हो जाएंगे। आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें क्योंकि ये ठंडा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी हम आपको इसके पीस काट कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसके पीस कट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल कलाकंद का टेक्सचर, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे देखने में खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ज़्यादा खाने में डिलीशियस भी है। आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें अगर कभी नहीं किया है। ओके बाय बाय।